एमपी बनाया और हम जब विधायक के रूप में भी जो काम करते रहे और फिर नालंदा और पटना जिला में कितने लोग एक साथ जुड़ करके से काम के लिए मिल करके हम लोग कर रहे थे और बाद में फिर एमपी हुए तो एक एमपी के रूप में भी काम करते रहे, सब जगह घूमते रहे। कौन सा ऐसा गाँव है जहाँ पर हम नहीं पहुँचे? हर टोला मोहल्ला में पहुँचे, सबके अपने से भी आ रहे थे। जब पहला दो बार हार गए तब भी हम घूमते रहते थे। अब आप में से तो नौजवान है, आप लोगों को बहुत को नहीं याद है, पुराने लोगों को याद होगा जब 85 में छात्रों के मसीहा नीतीश कुमार, अरे अभी नारायण हो रहा है, जब हम यहीं पर मीटिंग में चुनाव में आए और उसी दिन हमने कहा कि देखिए हम तो सिर्फ जनता की सेवा करने में है और जो हम लोगों ने ये काम शुरू किया है, भले ही दो हार गए, अगली बार भी हार जाएंगे तो हम राजनीति से अलग नहीं रहेंगे, हम काम करते रहेंगे, लेकिन आगे फिर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोग उसी समय इस बात को सुन करके इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि तो पहला दो चुनाव में जो पहले घटना घटी थी उसको लेकर के उसके प्रभावित हम हो रहे थे बिला वजह, लेकिन उस दिन के बाद जो लोगों के मन में आया और ये देते हैं जो भी करते हैं हर चीज में आपके लोगों का सहयोग रहता है, तो हमको जब तक एमपी के रूप में काम करते रहे, सब जगह घूमते रहे, अब फिर जो बिहार की सेवा करने का मौका मिल गया 16 साल से, तो इसमें पूरे बिहार के काम में जो लगे रहते हैं, तो जिस तरह से मेरे मन में बात आ रहा था कि लोगों कई लोग आते हैं हम अपने यहाँ रखे हुए हैं, मिल लेते हैं, बात समझते हैं, हर जगह जानने की कोशिश करते हैं, वो तो गलत बात है, लेकिन कुछ को जा नहीं पाते हैं। तो अभी हमने तय किया कि एक बार हम अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र और पुराने लोकसभा क्षेत्रों से मिल जो जो ये चुनाव का आ गया दौर ऐलान हो गया, वो नहीं होता और खुलेआम ढंग से माइक पर और सब कुछ करते, लेकिन अभी तो चूंकि हम घूम रहे हैं व्यक्तिगत रूप से घूमे सर, सरकारी तौर पर नहीं सर, लेकिन चुनाव उनाव अगर नहीं हुआ होता, आप अगर वो समय मिल गया होता जो हमने तय किया था, तब तो फिर सरकारी तौर पर भी एक एक तरह का Yeah, I love it.